क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रांगेस्ट लिवेस एसिड? BF3, BCl3, BBr3, Bi3. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, Bi3 इज़ अ स्ट्रांगेस्ट लिवेस एसिड, क्योंकि इसमें जो आयोडाइड आयन है उसकी बैक बॉन्डिंग की वजह से इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो काफ़ी स्टेबल होता है, तो इस बेस पे Bi3 एक स्ट्रांग लिवेस एसिड है। क्वेश्चन टू, विच इज़ यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीट्री? सो NaGaTiHg। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, गैलियम इज़ यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीट्री। इट रिमेन्स लिक्विड एट अ टेम्परेचर बिटवीन 300 केल्विन टू 2500 केल्विन। तो 2500 केल्विन और 300 केल्विन के इन बिटवीन ये लिक्विड स्टेट में रहता है, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीट्री। क्वेश्चन थ्री, Al2O3 फॉर्मेशन इन्वॉल्व एवोल्यूशन ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट विच मेक्स इट्स यूज इन डीऑक्सीडाइजर, कन्फेक्शनरी, इंडोर फोटोग्राफी और थर्माइट वेल्डिंग। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा हीट यूज़ होती है, दैट्स वाई इसको हम यूज़ करते हैं थर्माइट वेल्डिंग में इन ऑर्डर टू वेल्ड द रेल ट्रैक्स। क्वेश्चन फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू बोथ फॉर ब्रोन एंड एल्यूमिनियम? ऑप्शन ए, दे बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर, देयर हैलाइड्स आर लिवेस एसिड्स, दे कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स, दे रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म क्लोराइड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जो ब्रोन है ये HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता जबकि एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन फाइव, विच मेटल इज़ प्रोटेक्टेड बाई अ लेयर ऑफ इट्स आन ऑक्साइड? AlHAgAuFe। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम इज़ प्रोटेक्टेड बाई अ लेयर ऑफ इट्स आन ऑक्साइड, दैट इज़ नोन एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एल्यूमिनियम फ्राम डिफरेंट केमिकल्स। क्वेश्चन सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ कैटलिस्ट? हैबर प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस, ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस, कंटैक्ट प्रोसेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, थर्माइट प्रोसेस एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है दैट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ऑन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी कैटलिस्ट। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन सेवन, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम क्रायोलाइट इज एडेड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम, इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मिनिमाइज द एनोडिक इफेक्ट, बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्रायोलाइट को यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करता है और इस तरह इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर देता है, तो करेक्ट आंसर है ए एंड बी। क्वेश्चन एट, एलम इज़ नॉट यूज्ड इन एज ए मॉर्डेंट इन डाइंग, एज इंसेक्टिसाइड, इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, इन टैनिंग ऑफ लेदर। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, एलम इज़ यूज्ड एज ए मॉर्डेंट इन डाइंग, सिमिलरली इट इज़ यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड इन टैनिंग ऑफ लेदर, बट इट इज़ नॉट यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड। क्वेश्चन नाइन, एनहाइड्रस AlCl3 इज़ प्रिपेयर्ड फ्राम कंसनट्रेटेड HCl एंड एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम एंड Cl2, ड्राई HCl गैस एंड हीटेड एल्यूमिनियम मेटल, डिल्यूट HCl एंड एल्यूमिनियम मेटल। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, एनहाइड्रस AlCl3 प्रिपेयर करने के लिए रिएक्शन करवाया जाता है ड्राई HCl गैस और हीटेड एल्यूमिनियम मेटल का, तो इनके रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होता है AlCl3। क्वेश्चन नंबर टेन,
thallium shows a different oxidation state because it is transition element, because of inert pair effect, because of its atmospheric amphoteric character, because of its higher reactivity. Correct answer is option B. Due to presence of inert pair effect, thallium show oxidation state of +1 and +3. Question 11. Duraluminium is an alloy of Al and Mg, AlMg and Ni, AlMg, Mn and Cu, Al and Ni. करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी. ड्यूरालुमिनियम के अंदर जो है वो 95% जो है वो एलुमिनियम प्रेजेंट होती है. इसी तरह जो 5% उसके अंदर कॉपर प्रेजेंट होती है और 0.5% इसमें मैगनीज़ यानी Mn प्रेजेंट होती है और 0.5% इसके अंदर जो है वो Mg प्रेजेंट होती है. तो ड्यूरालुमिनियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ एलुमिनियम, मैग्नीशियम, मैगनीज एज वेल एज कॉपर. क्वेश्चन 12. एन एग्जांपल ऑफ एलम इज. तो गिवन ऑप्शन में जो एलम की एग्जांपल है वो है ऑप्शन सी, K2SO4.Al2SO43.24H2O. तो ये फार्मूला है पोटाश एलम का. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. क्वेश्चन 13. द केमिकल फार्मूला ऑफ बॉक्साइट इज Al2O3 Al2O3.NH2O, Na3AlF4 Al2Cl6. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. केमिकल फार्मूला ऑफ बॉक्साइट इज Al2O3.NH2O. क्वेश्चन 14. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन ए, Al इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ B. B इज बेसिक वाइल दैट ऑफ Al इज एम्फोटेरिक. B इज एसिडिक वाइल दैट ऑफ Al इज एम्फोटेरिक. A एंड Al आर एम्फोटेरिक. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी. बोरोन जो है वो ज़्यादातर एसिडिक करेक्टर रखती है जबकि एलुमिनियम एम्फोटेरिक इन नेचर है. क्वेश्चन 15. विच मेंबर ऑफ ग्रुप 13 डज नॉट एग्जिबिट द ग्रुप वैलेंसी इन इट्स कंपाउंड. बोरोन, एलुमिनियम, गैलियम, थेलियम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Thallium does not exhibit the group valency in its compound. Due to inert pair effect, it shows positive one oxidation state in its compound. Question 16. Which of the following is a mineral does not contain aluminium? Cryolite, mica, feldspar, fluorspar. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. फ्लोरस्पार का फार्मूला है Ca(F2). तो इसके अंदर जो है वो एल्युमिनियम प्रेजेंट नहीं है. क्वेश्चन 17. द चीफ ओर ऑफ एल्युमिनियम इज क्रायोलाइट, फील्डस्पार, कोलाइन, बॉक्साइड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. द चीफ ओर ऑफ एल्युमिनियम इज बॉक्साइड और इसका फार्मूला है Al2O3.NH2O. Question 18. An example of double salt is bleaching powder K4FeCN6-hypo or potassium. Correct answer is option D. Potassium को जो है वो double salt कहा जाता है क्योंकि इसमें K2SO4 और इसी तरह से Al2SO4 की तरह दो salt present होते हैं. Question 19. The purification method of a bauxite containing iron oxide as impurity is known as Hope method, Bayer process, electrolytic process, electrolytic process. Correct answer है इसका option B.
बियर प्रोसेस के थ्रू जो है वो बॉक्साइट की प्योरिफिकेशन की जाती है और इसमें से आयरन ऑक्साइड को एज ए इम्प्योरिटी रिमूव किया जाता है। क्वेश्चन 20, एलुमिनियम रिएक्ट विद कास्टिक सोडा टू फॉर्म सोडियम मेटा एलुमिनेट, एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम टेट्रा एलुमिनेट आर एलुमिनियम ऑक्साइड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एलुमिनियम कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करके बनाती है सोडियम मेटा एलुमिनेट। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।